कोरोना के बाद अमेरिका में इन दिनों ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। अमेरिकी लोगों ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि कोरोना महामारी अभी पीछा नहीं छोड़ेगी और कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का संकट पैदा हो जाएगा। इस समय अमेरिका में आम लोगों के लिए बर्फीली तेज हवाएं एक समस्या बन गई है। टेक्सास शहर की हालत ये है कि केवल 2.7 मिलियन घरों में ही बिजली बची है। कड़ाके की ठंड के बीच बिजली की कमी और परेशानी बढ़ चुकी है। बर्फ के कारण बिजली के तार क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ठंड के कारण प्राकृतिक गैस के कुएं, पाइपलाइन और पवन टरबाइन भी बंद हो चुके हैं। टेक्सास में रहने वाले लोगों ने उनकी तस्वीरें साझा की है जो आश्चर्यजनक है। पीने का पानी भी जम चुका है और घरों के पंखों में भी पारा जम चुका है। ट्रेविस मैकगुलम नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें वे ह्यूस्टन में इंटरस्टेट 10 पर स्कीइंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी ही कई और तस्वीरें साझा की गई है जिन्हें देखकर आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दिनों अमेरिका में ठंड से क्या हाल है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।